अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सफूफे जरियान का रिव्यू। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि सफूफे जरियान का रिव्यू लेके आए, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। पहले इसकी पैकिंग की बात कर लेते हैं, रिटेल वगैरह की बात कर लेते हैं। चलिए तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं सफूफे जरियान, ये कर्शी का सफूफे जरियान होता है। और आप यहाँ पर इसके देख रहे होंगे 60 ग्राम्स की ये पैकिंग होती है। उसके अलावा इसकी कीमत है 200 रुपये, और उम्मीद है कि इसका बढ़ जाएगा रेट तकरीबन थोड़े दिनों तक। कर्शी बढ़ा देगी क्योंकि हर चीज़ की प्राइस बढ़ रही है पाकिस्तान में। और ये आप देख रहे हैं सील लगी हुई है, मैं इसकी सील ओपन करके फिर कंटिन्यू करता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसकी सील ओपन कर ली है और आप ये देख सकते हैं फटकी टाइप होता है ये सफ़ूफ। अब अगर सफ़ूफे जरियान के फ़वाद की बात करें तो ये जरियान और एहतलाम के लिए है। मतलब कि एहतलाम, अगर जिन लोगों को नहीं पता, तो ये एहतलाम वो होता है कि रात को सोते वक्त लोगों का मादा तौलीद खारिज हो जाता है गैर इरादी तौर पर। और इसके अलावा ये मादा तौलीद को गाढ़ा करने में भी मदद देता है। और इसके अलावा ये जो जरियान होता है असल में कि गैर इरादी तौर पर मादा खारिज होना। अब गैर इरादी तौर पर कैसे होता है, जैसे कि लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं, कोई ऐसा सीन आ जाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे डिस्कस किया हुआ है ऐसी बात कि हम कोई लड़की को देख लें किसी को, या कोई ऐसी चीज़ देख लें तो हमारा जो मादा है ना वो ऐसे रिलीज हो जाता है खुद ब खुद ही। तो ये उसको रोकता है। और ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि आपका जो मादा है वो गैर इरादी तौर पर खारिज हो। इससे क्या होता है नुकसान, मैं आपको बता देता हूँ। इससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, आप खुद वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। और आपकी जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी ख़राब होने लगती है, मतलब कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है आपकी। तो ये इसके नुकसान हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सकता है वो इसका इलाज आप या तो ये इस्तेमाल करें या आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और आपको इसका मैं तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। तरीका इस्तेमाल ये है कि इसकी आधी आधी चम्मच सुबह और शाम को निहार मुँह दूध के साथ आपने लेनी है। और अगर इसका आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो जरिया नीन टेबलेट्स में इसकी पिक्चर अटैच कर दूंगा, तो आपने जरिया नीन टेबलेट्स के साथ ये इसको इस्तेमाल करना है तो आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो अगर व्यूअर्स आप ये परचेज करना चाहते हैं सफूफे जरियान, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, तो उस पर आप जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। या फिर मेरा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़।